टुडे आई शिवानी चौहान विल डिलीवर अ सेशन ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फ्यू शॉर्टकट कीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो SSC के एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। बेसिकली मेंस में तो बहुत ज़्यादा इसकी अब इम्पोर्टेंस हो गई है। अगर आप वहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते सही से, तो आपका जो क्वालिफाइंग नेचर होता है उसका, तो अगर नहीं करोगे तो फिर वो आपका जो उसमें मतलब आगे उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे, तो आपके जो आगे एग्ज़ाम के जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे आपका GS वगैरह ये सब हो गए, तो वो भी चेक नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गई है। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर के नहीं पढ़ते, फिर एंड में जाके क्या होता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो जितना बाकी का जो आपका पोर्शन है वो भी चेक नहीं होगा, है ना। तो इसी वजह से तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए कंप्यूटर के। हमने अभी तक बहुत सारी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्वेश्चन की सीरीज तो आई थिंक सो कि फर्स्ट टाइम आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी, और कुछ फ्यू शॉर्टकट कीज भी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी तक हम MS वर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, ये सब जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्यूटर से हो सकते हैं वो सब हम कर चुके हैं। बहुत फ्रॉम दी बेसिक मैंने स्टार्ट किया था, तो आपको अगर जाकर देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिए और पढ़ते रहिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे आपके बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, तो प्लीज़ इसको जाके आप एक बार देख लेना और प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करना कि जो भी आपका टॉपिक में अगर कुछ डाउट हो और कुछ भी अगर आपको पूछना हो कि हमें इसमें कुछ भी आपको क्वेरी है कि हमें इसमें और भी कोई टॉपिक चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या पूछा है इसमें आपसे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे। प्लीज़ मेरे को इसका आंसर बताइए कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, सॉरी पेज। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है उनको क्या बोला गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा गया था, तो आप बोलेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला गया था, ठीक है, क्लियर है। बाकी जो ये आपके थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसाक न्यूटन, दिस ऑल थ्री आर रिलेटेड टू द साइंस पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे ईमेल क्या होता है। ईमेल आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी क्या होगी फुल फॉर्म होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, जो हम मैं जैसे सेंडर हूँ और मेरे को किसी रिसीवर को वो मेल सेंड करनी है, तो मैं अपने एंड से जो मैसेज ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो मैसेज मेरे यहाँ से ट्रांसमिट होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल हम उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको भी मैंने बताया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं बिना कहीं पे जाए, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, बस उसकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए कि कहाँ पे हमें उसको भेजना है, उसका हमें एक रेसिपिएंट जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका हमारे पास एक वो होना चाहिए कि किसको हमें मेल करना है, तो उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी की यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि पहले हम मैसेजेस वगैरह क्या करते थे, हमें वहीं पे जाकर फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता था, बट ईमेल के थ्रू क्या करते हैं हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइडर चाहिए, इंटरनेट की इंटरनेट होना चाहिए, और हमारे पास कुछ भी सिस्टम वगैरह या मोबाइल या कुछ भी जिस पे से हम क्या कर सकें, कोई मीडियम जिसके थ्रू हम क्या कर सकें उसको मेल कर सकें, ठीक है।
तो ईमेल आपको पता चल गया, ईमेल में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू वांट टू सी देन यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड देन यू कैन चेक इट आउट एंड सी. ठीक है, तो देख लीजिएगा. ईमेल में हमने बहुत कुछ, जितना भी आपका पार्ट है बेसिकली उसमें आपका होता क्या है, अगर हम थोड़ा बात करें ईमेल के बारे में, तो ईमेल में आपका क्या आता है. सबसे पहले जो आपका ईमेल जब हम कंपोज करते हैं, ईमेल जब हमें किसी को सेंड करनी हो तो हम एक्चुअली करते ही क्या है, वहाँ पे कंपोज करते हैं. ठीक है, कंपोज जब हम मेल को करते हैं तो वहाँ पे आपका यहाँ पे आता है टू. टू मतलब कि हम किसको वो मेल कर रहे हैं, तो उसकी ईमेल आईडी, जैसे आपका यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम आ गया @gmail.com, और इधर आपका यहाँ पे है जैसे सीसी में आप उनको रखते हैं, कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको हम. क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बन कॉपी. नीचे आपका यहाँ पे आता है BCC, ये क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ठीक है, क्या आएगा? कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी में क्या होता है, इसमें वो सारे होते हैं जिनको हमें, टू में हमारा एक ही रेसिपिएंट आता है, इसमें हमारा और भी, अगर मैंने जैसे अपनी किसी फर्स्ट फ्रेंड को सेंड करा और मैंने किसी सेकंड पर्सन को भी करा, two@gmail.com मान लीजिए, नेक्स्ट मेरे को एक और किसी को करना है तो three@gmail.com मान लीजिए आप, तो मैंने इन सबको सेंड करा, बट इनको क्या होगा, मैंने जिसको टू को करा है तो इन सबको पता चल जाएगा मैंने किस किस को और वो मेल सेंड करी है. ठीक है, बाकी सारे रेसिपिएंट्स भी उनको पता चल जाएंगे कि मैंने किन किन को, कौन कौन इस मेल के रिसीवर हैं, उन सबका उनको पता चल जाएगा. ठीक है, BCC में क्या होता है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है. इसमें क्या होता है, एक्चुअली इनको पता नहीं चलेगा कि मैंने इस पर्सन को भी ये मेल सेंड करी है. मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने BCC में क्या होता है, BCC में आपका जो four@gmail.com है, मतलब फोर्थ जो पर्सन है ये, इसका नहीं पता चलेगा किसी को भी कि मैंने इसको भी सेंड करी है. मतलब इन सबको एक दूसरे का पता चल जाएगा कि मैंने उनको भी फॉरवर्ड वो मेल करी हुई, मैंने उनको सेंड कर रखी है, बट BCC में जिसको मैं मेल कर रही हूँ उसकी ईमेल आईडी, जिसको भी मैं रेसिपिएंट को, रिसीवर जो सेंड रिसीवर है, उसका नहीं पता चलेगा कि मैंने उस पर्सन को भी वो मेल करी है. ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसलिए इसको बोला जाता है. तो आई होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. और नेक्स्ट जब आपका है इसमें, इन द वर्चुअल वर्ल्ड WWW स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें WWW क्या स्टैंड करता है. फर्स्ट इसमें आपका ऑप्शन है वर्ल्ड विदाउट विंडोज, और सेकंड है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और थर्ड है आपका इसमें वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन, एंड फोर्थ वन इज वर्ल्ड वाइड कॉन्शियस, वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस. ठीक है, क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड विदाउट विंडोज, वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड वन इज वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन, एंड फोर्थ वन इज वर्ल्ड वाइड वेयर हाउस. ठीक है, तो WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब. क्या होगा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन? वर्ल्ड वाइड वेब इज द करेक्ट ऑप्शन. WWW की अगर आपसे पूछी जाए फुल फॉर्म तो आप क्या बताएंगे? वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए, HTTP, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? फुल फॉर्म है किसकी? HTTP की. और अगर इसके आगे S लग जाता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि HTTPS जब लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S क्या होता है यहाँ पे? सिक्योर. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट अब आपका है, हु इन्वेंटेड कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क किसने इन्वेंट करी थी? तो
अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पैक्ट डिस्क किसने इन्वेंट करी थी, मतलब कि सीडी जैसे आप यूज करते हैं, तो आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जेम्स टी रसल। जेम्स टी रसल ने क्या करा था, सीडी की इन्वेंशन करी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें वेट। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप क्या बताएंगे। फर्स्ट है आपका विंडोज 10। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, तो विंडोज 10, लिनक्स, डॉस, एमएस एक्सेल। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। एमएस एक्सेल क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारे हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सब पढ़े हैं, तो ये आपका एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है जो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बट विंडोज 10 या फिर लिनक्स या डॉस की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करते हैं, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या कराते हैं, ये इंटरफेयर कराते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट कराते हैं कौन, आपके जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड टू यूज़ टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका फर्स्ट है माउस, सेकेंड है मॉडम, थर्ड वन इज CPU कीबोर्ड। तो माउस की तो आपको रिक्वायरमेंट होगी, साथ में आपको किसकी होती है, मेन जो मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, क्या बोलते हैं हम इसको, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जिसको हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की रिक्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवन्थ, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है, पोर्टेबल वो होता है जिसको हम क्या कर सकें, कैरी कर सकें। तो लैपटॉप, CPU, मॉनिटर, डेस्कटॉप, इनमें से हम किसको कैरी कर सकते हैं, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा, लैपटॉप जो है वो बिल्कुल सही है, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें नेम द डिवाइस दैट इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर। वो डिवाइस का नाम बताइए जिसको हम प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, अगर हमें प्रिंट आउट लेना हो कंप्यूटर से। फर्स्ट है आपका CPU, सेकेंड आपका माउस, थर्ड वन इज कीबोर्ड एंड फोर्थ वन इज प्रिंटर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर हम यूज करते हैं अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका है इसमें हाउ मच इज अ बाइट इक्वल टू। जो वन बाइट होती है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो वन बाइट है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, 8 या 16 या 32 या 64। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 बिट्स। वन बाइट में 8 बिट्स होती हैं और वन बिट में कितनी, 0 और 1, ये क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं। वन बिट में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, 0 और 1 होती है, वन बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, याद रखना प्लीज, इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। पूछा जा रहा है जो आपसे अभी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स में आ रहे हैं, वही हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टेंथ, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। ALU, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज ALU। CPU क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बताता है कि क्या काम अब हमें करना है क्या नहीं करना, तो वो कौन गाइड कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है द बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें हम किसकी पावर को यूज करते हैं, जब हमें बाइनरी हम कन्वर्जन करते हैं, मैं आपको ये क्लास एक लूंगी आपके, उसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन का। तो बाइनरी सिस्टम में किसकी वैल्यू आती है, 2 की, मतलब 2 to 0, 2 to 1, 2 to 2, 2 to the power 3, दीज ऑल आर यूजेज इन आई मीन टू से कि जो 2 है उसी की पावर को यूज करा जाता है, तो यूजेस पावर ऑफ 2 बाइनरी सिस्टम में यूज करा जाता है 2 की पावर को। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, फर्स्ट वन 2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब आपका है 12th क्वेश्चन, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज। तो इसमें आपको बताना है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर या फिर कंपैरेटर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, असेंबलर। मशीन लैंग्वेज आप सबको पता है, मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज, जो हमारा कंप्यूटर समझता है। बाइनरी लैंग्वेज किस में वर्क करती है, ओनली 0 और 1 में काम करती है, 0 और 1 वैल्यू पे ही ये काम करती है, इसके अलावा ये किसी भी वैल्यू को नहीं समझता। ठीक है, तो क्लियर है आपका इसमें। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट कीज़, जो शॉर्टकट कीज़ जो आपसे पूछ ली जाती हैं। पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ आपसे MS वर्ड की, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस MS एक्सेल। ठीक है, तो MS वर्ड में पहली जो है आपकी, फर्स्ट Ctrl+B। Ctrl+B किस लिए यूज़ करते हैं हम, बोल्ड करने के लिए। बी किसके लिए यूज़ करते हैं, बोल्ड करने के लिए, किसी भी हाईलाइटेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। सी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी करने के लिए। एक्स आप कट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एन मतलब कि न्यू, किसी भी ब्लैंक अकाउंट को, डॉक्यूमेंट को सॉरी ओपन करने के लिए। और Ctrl+O ओपन ऑप्शन के लिए, Ctrl+P प्रिंट के लिए, और Ctrl+V आपका वी किसके लिए होता है, यूज पेस्ट के लिए। ठीक है, Ctrl+F फाइंड बॉक्स को ओपन करने के लिए। O किसके लिए, ओपन बॉक्स को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट अब आपका है Ctrl+I। I किस लिए यूज करते हैं हम, इटालाइज करने के लिए, मतलब कि किसी भी चीज को इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए। इटैलिक फॉर्म में मतलब कोई भी कुछ भी मैंने अगर ऐसे लिखा है शिवानी, ठीक है, और अगर मैं इसमें इस पूरे को हाईलाइट कर दूंगी तो इटैलिक में, तो ये कैसे आ जाएगा फिर आपका, ऐसे मतलब कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे करके आएगा, मतलब टिल्ट इटैलिक में टिल्ट सा हो जाता है थोड़ा सा। और के हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी हाइपर लिंक वगैरह को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, हाइपर लिंक के लिए बेसिकली। Ctrl+U। यू किस लिए यूज़ करते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, आई होप सो आप सबको ये याद हो गए होंगे। Ctrl+B। कंट्रोल क्या है, बेसिकली आपकी ये मॉडिफायर की है, जो क्या कर रही है, किसी भी की के साथ ऐड होने के बाद कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल को हम मॉडिफायर की। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये 3 कीज ऐसी हैं जो मॉडिफायर कीज होती हैं। ठीक है, Ctrl+V, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, कोई भी हाईलाइट कुछ भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है तो Ctrl+B का यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट आपका है Ctrl+C। Ctrl+C हम किस लिए यूज़ करते हैं, कॉपी, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+X किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। Ctrl+N ओपन न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। Ctrl+O ओपन ऑप्शन के लिए। Ctrl+P प्रिंट विंडो ओपन करने के लिए। Ctrl+F फाइंड के लिए। Ctrl+I इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए। Ctrl+K इंसर्ट लिंक के लिए। Ctrl+U अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फिर आपका Ctrl+G, ये क्या करता है, फाइंड करता है और रिप्लेस करता है। Ctrl+H किसके लिए है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। और Ctrl+
जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ की अलाइनमेंट को जस्टिफाई करता है ये। नेक्स्ट है फिर आपका कंट्रोल प्लस एल, ये क्या करता है अलाइन करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अलाइन कर देता है। और कंट्रोल प्लस क्यू क्या करता है अलाइन करता है सिलेक्टेड पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में, पूरे सिलेक्टेड पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में अलाइन कर देता है ये। नेक्स्ट है फिर आपका कंट्रोल प्लस ई, ये क्या करता है जो आपका टेक्स्ट है उसको, टेक्स्ट या फिर कोई भी लाइन कह लो तो वो उसको एट द सेंटर ले आएगा। कंट्रोल प्लस आर जो है ये क्या करता है अलाइन करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन को किसी राइट साइड में। और कंट्रोल प्लस एम क्या करता है इंटेंट करता है पैराग्राफ को। कंट्रोल प्लस टी क्या करता है हैंगिंग इंटेंट करता है। कंट्रोल प्लस डी क्या करता है फॉन्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ क्या करता है फॉन्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका इसमें कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस होम का हम यूज करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए, होम से आपको याद कर लेना है बिगिनिंग पे जाने के लिए डॉक्यूमेंट की, एंड किस लिए जाता है एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस हम यूज करते हैं रिसेट, जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है उसको डिफॉल्ट फॉन्ट में, जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री जैसे आपका होता है तो उसमें ये डिफॉल्ट फॉन्ट में उसको चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका इसमें F12 क्या होता है, F12 सेव एज के लिए यूज करते हैं हम, किस लिए यूज करते हैं F12 सेव एज के लिए। कंट्रोल प्लस एस क्या करता है सेव करने के लिए, F प्लस F12 भी क्या करता है सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस W क्या करता है, कंट्रोल प्लस W क्या करता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आ रहा है कि क्लोज, अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को हम किसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस W, ठीक है। कंट्रोल प्लस X हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को कट करना है, टेक्स्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस वी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस पी हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ MS Excel की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज। फर्स्ट है इसमें आपकी F2 जो है वो क्या करता है एडिट करता है। जैसे मैंने किसी भी सिलेक्टेड सेल पे हूँ मैं, मेरे को अब इसमें मैंने लिखा शिवी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शिवी, तो अब मेरे को इसमें एडिट करना है, मेरे को ये पूरा शिवानी लिखना है। तो मैं इस सेल पे जाके F2 फंक्शन की जो सेकंड है उसको मैं प्रेस करूँगी तो ये क्या होगा इसको सिलेक्ट कर लेगा और इसको मैं एडिट कर सकती हूँ, ठीक है F2 के लिए। F5 क्या करता है गो टू किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए। F7 क्या करता है स्पेलिंग चेक या सिलेक्टेड टेक्स्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट की चेक करने के लिए स्पेलिंग। F11 क्या करता है चार्ट को क्रिएट करता है, तो चार्ट क्रिएट करने के हम F11 का यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आपकी हैं कुछ इम्पोर्टेंट भाई उसकी MS Excel की। कंट्रोल प्लस बी अभी हमने जो डिस्कस करा भी था MS Word में, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए। कंट्रोल प्लस डी क्यों यूज़ करते हैं हम किसी भी उसको सेल को फिल करने के लिए। कंट्रोल प्लस के सेम वही हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड और रिप्लेस के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ में क्या होता है बेसिकली फाइंड का भी ऑप्शन आता है, कोई भी टेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में तो कंट्रोल प्लस एफ में हम कॉपी पेस्ट करेंगे उसको टेक्स्ट को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को, वो क्या करेगा उस स्पेसिफिक सेल तक चला जाएगा। अगर हमें उसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस का भी कंट्रोल प्लस एफ का ही फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कंट्रोल प्लस यू, यू आपको भी मैंने बताया अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस जेड अंडू द लास्ट एक्शन, कोई भी लास्ट एक्शन जो हमने परफॉर्म करा है
उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का, ठीक है। मतलब मेरे को अगर कुछ मैंने कर दिया है, मेरे को उसको लास्ट एक्शन को डिलीट करना है कि मैंने वो नहीं परफॉर्म करा, उसको रिप्लेस कर मतलब रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस F9। ये क्या करता है, जो मेरी करंट विंडो है उसको मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 का। तो आई होप सो आप सबको ये काफ़ी पसंद आया हो, हमने क्वेश्चंस जो डिस्कस करे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो डिस्कस करी हैं। तो आई होप सो आप सबको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही कुछ सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी अगर टॉपिक में क्वेरी है या फिर कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को लिख के बता दीजिए, जिससे आई विल प्रोवाइड दैट लेक्चर टू यू। तो कोई भी अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए, तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नेम बता दीजिए, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो अपने जितने भी आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मतलब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए जिसमें भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए सेशन। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।